अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यार एक बार फिर से तुम लोगों का वेलकम करते हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरकार रिएक्शन। तो दिस इज उसामा, दिस इज वारिया। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार किस्म की होने वाली, क्योंकि एक बार फिर से एक मजेदार इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेके हम लोग आपके सामने आए हैं कि देख के मजा आएगा। तो भाई बताए आज हम किस चीज पे वीडियो देखेंगे। आज एक और कंपेरिजन वीडियो है और कंपेरिजन जो है बड़ा हैवी कंपेरिजन होने वाला है, इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर। अच्छा इस तरह की वीडियोस देखने का ना एक अपना ही मजा, नॉलेजेबल वीडियो होगा, मजे का वीडियो होगा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी करें। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं हमेशा की तरह। पर वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो हैवी गो। कैपिटल दिल्ली और बीजिंग है चाइना का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके हैं जी शी जिनपिंग। पॉपुलेशन तकरीबन सेम है, बस ये भी काफी फर्क है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, टोटल एयरक्राफ्ट 1000 का तकरीबन फर्क है। इतना ही ऑलमोस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक एयरक्राफ्ट।
अच्छा बहुत सी चीज़ों में ना सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा बहुत सी चीज़ों में जो है ना वो चाइना आ गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में सिर्फ 19-20 का फर्क था, ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जिसमें फर्क था फिर वो काफ़ी ज़्यादा फर्क था। या तो बंदा कहे ना कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक ही कंट्री का ज़्यादा था, ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस था। लेकिन ये कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वीडियो मज़ा आया, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखने का ना ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो वीडियो के अंदर कवर नहीं की जाती, जाहिर सी बात है जो है वो सब चीज़ें इस पे कवर नहीं होंगी। बाकी ये कि जितने एयर क्राफ्ट वगैरह जिस तरह की चीज़ें दिखाते हैं तो वो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती ही होंगी वक्त के साथ, अपडेट्स होती रहती हैं और अपग्रेड होते रहती हैं चीज़ें, और वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे अपग्रेड होती हैं ऑब्वियसली उस चीज़ में टेक्नोलॉजी में भी जो है वो ज़्यादा इजाफा होता है। लेकिन अभी तक इस वीडियो में जो हमने देखा है वो कुछ चीज़ें 19-20 का फर्क था, और जिसमें डिफरेंस था फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। चाइना बहुत आगे था कुछ चीज़ों में। जो एक मेन चीज़ जो पॉइंट मैंने इसके अंदर देखे थे वो GDP थी इनकी, ट्रिलियन में गई हुई थी उनकी, बहुत से ज्यादा ट्रिलियन भी थी, मतलब वो जो है ना इस मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे हैं उनकी, GDP बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये कि वहाँ की इनकम उनकी अच्छी है। हाँ, अच्छी खासी है। और जो पॉपुलेशन के हिसाब से सेम है तकरीबन, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। अच्छा उनके एयरपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा है, एयरपोर्ट्स उनके काफी ज्यादा थे, उनके एयरपोर्ट्स ये थे कि न्यूक्लियर बम्स बहुत ज्यादा थे उनके पास, बिल्कुल न्यूक्लियर उनके साथ बहुत ज्यादा थे। जाहिर सी बात है कि वो भी एक टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है, तो उसने भी बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप किया इस चीज को लेके। तो इंडिया भी अच्छा, फर्स्ट टाइम हमने इंडिया और चाइना का कंपैरिजन फर्स्ट टाइम किया और मजा आया देखा, मतलब टक्कर का था। हाँ मतलब अच्छा था, मजा आया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और बहुत सी चीजों का हमें नहीं पता था वो भी पता चला। चाइना पे तो हमने फर्स्ट टाइम ही एक किस्म की वीडियो की, बिल्कुल ऐसी है। तो वीडियो अच्छा था, उम्मीद है गाइस आपको भी पसंद आया होगा, अच्छा लगा जब लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट करो। अगला टारगेट जो आपका है वो आपने करना है 5,000 सब्सक्राइबर, बिल्कुल। तो मिलते हैं नए वीडियो में रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।